गलत किया मेरे साथ। पति के पास कभी वापस नहीं जाऊंगी मैं, कभी भी मैं वापस नहीं जाऊंगी अपने पति के पास। मेरे पति ने मुझे छोड़ा, मेरे बच्चे को छोड़ा। आप लोगों को लगता है मैं उस शख्स के पास दोबारा जाऊंगी? मैं कभी भी अपने पति के पास वापस नहीं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए। मेरे पति ने बहुत ही गलत किया मेरे साथ। आज मैं भटक रही हूँ, यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। बहुत कष्ट है मेरी जिंदगी में। मैं बेशक घर से निकल तो आई हूँ, मैं सेफ, मैं भी कह रही हूँ, मैं आंटी के घर में हूँ। लेकिन आप सोच सकते हो फ्रेंड्स, एक पति के बिना एक लड़की की जिंदगी कैसी होती है। बहुत ही उदास, बहुत ही अजीब होती है। मेरा बच्चा बीमार, मैं बीमार, मेरी कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। लेकिन मैं कभी किसी से कुछ नहीं, मैंने कहा जितना हो सके, जितना जिससे जो हो सकता है उतना सब कुछ हुआ। मैं जिन आंटी के घर में, वो भी मेरी बहुत मदद की, मुझे अपने घर में रखा, मुझे सब कुछ की। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या बताऊँ, मेरी कंडीशन आपको मेरे हालात देख के खुद पता लग रहा होगा कि मेरी कैसी कंडीशन है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैं अपने पति के पास कभी वापस नहीं जाऊंगी। इतने गिरे और नीच इंसान है। मेरे बच्चे को मुझे घर से निकाला, बहुत ही बुरी हालात मेरी थी। मैं कैसे कैसे भटक के कहाँ से कहाँ तक मैं कैसे आई हूँ, आज मैं कैसे यहाँ पे हूँ, किस कंडीशन में हूँ। दुनिया देख के, दुनिया सुन रही है, आप खुद सोच सकते हो फ्रेंड, मैं किस हालात में हूँ। मैं आंटी के घर में भी हूँ, अंदर की बैठी, मैं बाहर निकल के वीडियो बना रही हूँ। आंटी का घर नहीं, उनके बाहर, घर से बाहर है। आप ही लोग बता, मैं कब तक इस तरह दूसरे के घर में रह के अपनी जिंदगी काटूं? क्या मुझे जीने का हक नहीं है क्या? बस मैं इतना चाहती हूँ, भगवान मुझे इस लायक कर दे कि मैं अपना बच्चा पाल सकूं, मैं अच्छे से रह सकूं। मुझे बस ये चीज सताती है, जो इंसान इतना वो था, आज वही इंसान इतना अजीब, इतना गिरे हुए हालात मेरे साथ किया। मैं रो नहीं रही थी, लेकिन जब चार लोगों के साथ बैठूं तो बहुत अंदर से बीतती है बातें, बहुत दुख भी होता है, कष्ट भी होता है। मेरे पे दुख कष्ट बीत रही है।